करजण भरत मुनि हॉल खाते शुक्रवार रोज भारतीय जनता पार्टी वडोदरा जिला लघुमती मोर्चा नो स्नेह मिलन कार्यक्रम योजायो हतो। कार्यक्रम ना प्रारंभ तिलावते कुरान शरीफ थी थयो हतो। त्यारबाद वडोदरा जिला लघुमती भाजप अध्यक्ष अहमद शेखे उपस्थित अतिथिओनु शाब्दिक स्वागत कर्यु हतु। त्यारबाद राष्ट्रीय भाजप लघुमती मोर्चा ना महामंत्री सूफी संत महबूब अली बावाए पोताना संबोधन में जणाव्युं के तमारुं दिल साफ हशे तो सफलता जरूर मळशे। भाजपनी साथे रहो मानवतानो संदेश भाजप लघुमती मोर्चाए आप्यो छे एम तेओए जणाव्युं हतुं। भाजपनो संदेश सौनो साथ सौनो विकास छे। कोंग्रेस पर आकरा प्रहारो कर्या हता। भाजपे किसान निधि योजना चालू करी एनो वधु लाभ मुस्लिमोने मळ्यो छे। भाजप योजनाओनो लाभ आपवामां कोई भेदभाव नथी राखती। भाजप लघुमती मोर्चाना राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीके पोताना संबोधनमां जणाव्युं के भाजपे एक सामान्य कार्यकरने ओळख्यो छे। हूँ पण सामान्य कार्यकरथी भाजप लघुमती राष्ट्रीय मोर्चाना अध्यक्ष सुधी पहोंच्यो छुं। मारुं सद्भाग्य छे के हूँ भाजपमां काम करी रह्यो छुं। शिवसेना पर आकरा प्रहारो करता कह्या के बाळ ठाकरे साथे काम करवावाळा आजे पण चरण स्पर्श करता होवाना आक्षेप कर्या हता। भाजप सौने साथे लावा काम करी रह्यु छे। वोट बैंक माटे अन्योए दीवाल उभी करी छे एवा आक्षेपो कोईनुं पण नाम लीधा वगर कर्या हता। स्नेह मिलन कार्यक्रमनो लाभ समग्र देशने मळशे एम तेओए जणाव्युं हतुं। गुजरातनुं महत्व समग्र देशमां होवानुं जणाव्युं छे। गुजरातनी धरती ए મહાત્મા ગાંધી સરદાર પટેલ મોરારજી દેસાઈ તેમજ નરેન્દ્ર મોદી જેવા નેતાઓ આપ્યા છે। મોટા પદ પરિવારો માટે હતા તેવા આક્ષેપો પક્ષનું નામ લીધા વગર કર્યા હતા। ભાજપ અલ્પસંખ્યકના સૌ નેતાઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। ભાજપને બદનામ કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ હતા। આજે મોદીની કે સરકાર છે તે વિકાસ કરવામાં સક્ષમ છે એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું। આપણી જવાબદારી સૌને સાથે લાવવાની છે। ભાજપમાં અલ્પસંખ્યકને સૌથી વધુ મહત્વ અપાયું હોવાનું જણાયું છે। અન્ય પક્ષોએ મુસ્લિમોને કોઈ મહત્વ આપ્યું ન હોવાનું કહ્યું હતું। અંતમાં આભાર વિધિ સાથે કાર્યક્રમનું સમાપન થયું હતું। ચાલુ કાર્યક્રમમાં થોડી ક્ષણો માટે વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાયો હતો। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि करजन की सरजमीन पर हमारे भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब पहली मरतबा करजन की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। कल भी एयरपोर्ट पे करीब 2 से 3 किलोमीटर की रैली ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। आज भी करजन में एक रैली का आयोजन हुआ और साथ में ये सिनेम कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़ी तादाद में हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन भाई, प्रदेश के तमाम जिम्मेदारान जहीर भाई कुरेशी और करजन माइनॉरिटी मोर्चा की पूरी टीम अहमद चाचा और मोहम्मद भाई सिद्दी ने ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया। मैं सभी को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ और ख़ासतौर पर यहाँ के जिलाध्यक्ष सद्भावना के प्रतीक जनाब असीम भाई पटेल, जनाब अशोक भाई और यहाँ के धारा सचिव अक्षय पटेल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ सूत्र नहीं, वास्तविक अर्थ में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। जो भी योजनाएं नरेंद्र भाई मोदी साहब की सरकार ने 2014 से लेकर अब तक चलाई है उसके डेटा ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जितनी भी नीतियां हैं जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद तो सिर्फ 14% है लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर एवरेज निकाले तो 30% से ज़्यादा यानी डबल से ज़्यादा मुस्लिम्स को ये योजनाओं का लाभ मिला है। यानी भारतीय जनता पार्टी गरीबों को सहाय करने में ज़रूरतमंदों को सहाय करने में धर्म या जाति या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। सबका साथ और सबका विकास सही तौर पे साबित किया है। ये हमारी चैलेंज है। कांग्रेस ने सिर्फ दुष्प्रचार किया और जैसे कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है मुस्लिमों को बर्बाद करने का काम किया है, बेहाल करने का काम किया है। अब समाज की आँखें खुल गई है। जैसा यहाँ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि गुजरात में हर 5 में से एक मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है। हम और भी आगे मुस्लिम समाज में बीजेपी को ले जाएंगे और मुस्लिम समाज में से भी कांग्रेस मुक्त करेंगे और बीजेपी का को सर्वव्यापी बनाएंगे। ये हमारा अभियान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 30 से ज़्यादा राज्यों का प्रवास किया है और आज गुजरात में भी आए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ में शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में पूरी मोर्चा की टीम प्रदेश की हो या जिला की सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप मीडिया कर्मियों ने भी बहुत साथ दिया और आप सब ने बहुत अच्छे से इंतजार भी किया इसलिए भी मैं आप सबका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। रिपोर्टर मुकेश अठोरा करजण।